ग्वालियर में हर वर्ष लगभग पिछले 78 सालों से एक परंपरा चली आ रही है, जिसमें माधवराव सिंधिया के द्वारा रावण दहन की एवं रामलीला मंचन की कार्यक्रम चालू किया गया था। इसमें हर साल की भांति इस बार भी रावण बनाया गया और इसका दहन शाम को किया जाना है। जो पुतला दहन किया जा रहा है सर, ये कितने साल से चल रही है परंपरा? 78वां साल है सर। इसके विषय में थोड़ा सा बताएं सर। श्री रामलीला समारोह समिति प्रतिवर्ष रामलीला समारोह का आयोजन करती है। हमारे यहाँ कई प्रयोग कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी द्वारा किए गए। दिल्ली की बेले ट्रूप से भी रामलीला कराई गई, ग्वालियर के स्थानीय कलाकारों के द्वारा भी रामलीला कराई गई और इसमें हमारे मुख्य संरक्षक सिंधिया परिवार के मुखिया कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी रहे। वर्तमान में श्रीमंत ज्योति सिंधिया जी, उनके मार्गदर्शन में हम ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित करते हैं। ये कार्यक्रम 30 सितम्बर से चालू हुआ है। यहाँ हमने खाटू श्याम के भजन किए, रामायण का पाठ किया और 2 तारीख से रामलीला निरंतर चल रही है। 5 तारीख को शहर से बारात निकाली गई और यहाँ राम विवाह का आयोजन किया गया। आज 12 अक्टूबर दशहरा का दिन है। आज यहाँ मेघनाथ कुंभकर्ण रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा, भगवान की आरती की जाएगी और कल राज्याभिषेक का कार्यक्रम होगा। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश। सर, ये जो कार्यक्रम है ये लगातार कितने सालों से किया जा रहा है? 77 साल पूरे हैं। 78वां साल है। इसे माधवराव जी ने चालू कराया था, सिंधिया परिवार के था उस समय, जीवाजीराव सिंधिया जी ने कराया था।